अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई सलमान रजा कादरी। जैसे कि मैंने आपसे बताया था, हम शाह भाई के पास उनसे मिलने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा छोटा सा मोहल्ला है, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये कुछ बच्चे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, सामने मस्जिद है, आप देख सकते हैं मस्जिद को, ये छोटी सी मस्जिद है। और ये पीछे ये गाड़ी खड़ी है। तो इंशाल्लाह हम निकल रहे हैं, आपसे रास्ते की जो अपडेट होगी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये वसीम भाई हमारे साथ हैं, ये वसीम भाई इंशाल्लाह ताला पूरे सफर में हमारे साथ रहेंगे। बहुत अच्छी नाते पाक पढ़ते हैं अभी, तो इंशाल्लाह आपको भी इनके कलाम हम सुनवाएंगे। और शाह भाई से जब मुलाकात हम करेंगे जाके, तो इंशाल्लाह सबके लिए दुआ के लिए कहेंगे। तो आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा सफर आसान फरमाए। तो देखिए, फिलहाल ही कुछ बच्चे हमारे पीछे हैं, हमारे वसीम भाई हैं और ये हमारा भतीजा जाकिर है। तो हम निकल रहे हैं घर से, इंशाल्लाह रास्ते की अपडेट आपको देंगे जब हम बाघा बॉर्डर तक शाह भाई के साथ जाएंगे। इंशाल्लाह आगे तक की अपडेट आपको देंगे। फिलहाल आप दुआ करें कि हम शाह भाई के पास साथ खैरियत के पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे की लोकेशन देता रहूंगा। फिलहाल हम ये वीडियो जो बना रहे हैं घर से निकलते टाइम की बना रहे हैं, और इंशाल्लाह 2 बजे हमारी वीडियो आपने देख ली होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमारे लिए दुआ करेंगे, हम साथ खैरियत के पहुंच जाएं। नहीं, बस टाइम शटर हमने बंद कर दिया है, तो यहाँ पर हम वीडियो शूट करते हैं रोजाना, जो हम आपको शाह भाई की लोकेशन देते हैं। और हम यहाँ से निकलने वाले हैं अपने गाँव से। हमारे गाँव का नाम है ककराली माफी, और ज़िला अमरोहा लगता है, मुरादाबाद के और अमरोहा के बीच में। ये देखिए मार्केट है पूरी यहाँ बाहर जंगल में, बाकी तो जंगल ही है, ये मार्केट है यहाँ पर। इस मार्केट में हमारी दुकान है, और ये पीछे हमारे मिस्त्री साहब के लड़के खड़े हैं, और मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। देखिए, ये शारिक है और ये शुएब है। हम शाह भाई से मिलने जा रहे हैं, तुम सलाम पेश करो शाह भाई को। जी हाँ, सलाम करो शाह भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये सलाम पेश कर रहे हैं शाह भाई के लिए, बच्चे हैं। एक हमारे शुएब भाई हैं, ये भी सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़े आराम से सलाम कर रहे हैं, इनकी आवाज़ भी ना निकल रही। और ये देखिए सामने हमारे ये जावेद भाई हैं, और ये हमारे चचा लेटे हैं। आई जी, हम शाह भाई के पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, आप क्या कहना चाहोगे इसमें को? सलाम वालेकुम। देखिए, हमारी जितनी यूट्यूब की फैमिली है 4.5 लाख सब्सक्राइबर इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो अब हम शाह भाई से मिलने जा रहे हैं, ये हमारे जावेद भाई हैं जिनकी ये शॉप है, साइकिल मिस्त्री है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये हमारी मार्केट है जहाँ पे हमारी दुकान है, इसी मार्केट में अभी मैंने आपको दिखाया, वो शटर बंद था हमारी दुकान का। और ये हमारे कुछ भाई और यहाँ लेटे हैं, इनमें हमारे एक भाई साहब हैं, एक चाचा है, और एक हमारे दो भाई हैं और एक चाचा है। तो इनसे हम पूछेंगे शाह भाई के बारे में। आप कुछ मैसेज देना चाहोगे शाह भाई को? ठीक ठाक पहुंचे वो बात। हम भी उनसे मिलने जा रही है, बहुत सारे लोग दुआ के लिए कहते हैं कि उनसे दुआ करवा दें, क्योंकि वो पैदल हज पे जा रहे हैं। हम भी इंशाल्लाह सोचते हैं कि उनसे मुलाकात होगी। और हम बस घर से निकल के यहाँ बाहर चौराहे पे खड़े हैं, और चौराहे के यहाँ सब सीधा हम रोड पे पहुंचेंगे, दिल्ली रोड पे, जो हमारे यहाँ से यानी नेशनल हाईवे है जो दिल्ली जा रहा है। और दिल्ली से फिर हम राजस्थान के लिए बस पकड़ेंगे इंशाल्लाह। और राजस्थान में जब उतर जाएंगे हम, उसके बाद में हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ पहुंचने के बाद जैसी भी लोकेशन होगी आपको बता दी जाएगी। फिलहाल आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर शेयर कर दें, ताकि सबको पता चलेगा हाँ हम भी शाह भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए नाजरीन इकराम, आप देख सकते हैं ये हमारे भाई मोहम्मद अरवाज जो गाड़ी चला रहे हैं, ये हमें रोड पर छोड़ने जा रहे हैं जहाँ से हम बस पकड़ेंगे इंशाल्लाह दिल्ली के लिए। तो ये पीछे हमारे वसीम भाई बैठे हैं, ये हमारा भांजा है वसीम, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ रहेगा पूरे सफर में। आप हजरात दुआ फरमाएं। तो इंशाल्लाह हम निकल चुके हैं घर से, आवाज़ शायद हवा की आवाज़ आ रही होगी आपको, आराम से चलाओ, शायद आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी। तो देखिए हमारे प्रधान जी गए, पीछे रह गए, ये जंगल बहुत सुहाना है हमारे यहाँ का मौसम, इंशाल्लाह ताला बेहतर है अभी। और अब राजस्थान का मौसम देखना हमें कैसा है। तो इंशाल्लाह ताला बने रहे हमारे चैनल पर, और आप लोगों को मैं इंशाल्लाह लाइव अपडेट दूंगा। तो चलिए रोड पर पहुंचने के बाद आपको दिखाते हैं जहाँ से हम निकलेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। तो मोहसिन सामाई नजरात, देखिए हम दिल्ली रोड पर नेशनल हाईवे पर आ गए हैं, और ये हमारे पीछे मोहम्मद अरवाज हमारे भाई हैं, और ये वसीम भाई हैं। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से बैठेंगे और सीधा यहाँ से दिल्ली उतरेंगे, और दिल्ली से फिर बैठ के इंशाल्लाह राजस्थान उतरेंगे। ये नेशनल हाईवे है जो सीधा यहाँ से दिल्ली जा रहा है, ठीक है हजरात? इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह सफर में आसानी फरमाए, मिलते हैं आगे चल के। तो नाजरीन इकराम, देखिए हम बस में बैठ गए हैं, और ये बस जो सीधा दिल्ली जाएगी आनंद विहार, ये जो रोड है नेशनल हाईवे है, और ये मुरादाबाद से सीधा दिल्ली जा रहा है। तो दिल्ली में हम बस पकड़ेंगे राजस्थान के लिए इंशाल्लाह, उसके बाद में हनुमानगढ़ जाएंगे, और उसके बाद में शाह भाई की लोकेशन ढूंढेंगे। वसीम भाई हमारे साथ हैं इंशाल्लाह, आप बने रहें और आप बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखें इंशाल्लाह। पहुंचते के साथ ही हम आपको दिखाएंगे शाह भाई की लाइव लोकेशन। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाजरी के लिए। दोस्तों देखिए, अभी हमारी बस जो है यात्री प्लाजा, ये रेस्टोरेंट यानी होटल है, यहाँ पे रुकी हुई है, और ये बहुत सारी बसें यहाँ खड़ी हैं। और ये जो यात्री प्लाजा है, अभी हम जो है इंशाल्लाह ताला गाजियाबाद पहुँचने वाले हैं, फिर दिल्ली आएगी ये बस, आप देख सकते हैं।
ये हमारी बस है जिसका नंबर है 6107। 6107 हमारी बस का नंबर है। और ये मैं बहुत दूर से खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे दोस्त हम शेख भाई के पास पहुँचने वाले हैं, और जब पहुँच जाएंगे कल आज रात पूरी रात में इंशाल्लाह हम चलेंगे, सफ़र में जारी रहेंगे हम, और कल सुबह तक इंशाल्लाह हम शेख भाई के पास पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो आप अपनी सपोर्ट बनाए रखें, हम आपकी जो है दुआएं भी शेख भाई तक पहुंचाएंगे। जिस जिस भाई ने हमारे जिस बहन ने कमेंट की है वो उन सबकी हम दुआएं पहुंचाएंगे। देखिए ये जो रोड है मैं आपको दिखा दूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कौन से रोड से हम जा रहे हैं। जी हम रहने वाले हैं मुरादाबाद के, आप सब जानते हैं ज़िला मुरादाबाद और ज़िला अमरोहा के बीच में हम रहते हैं, ज़िला हमारा अमरोहा लगता है। चलिए खैर, तो ये जो रोड है इधर ये गाड़ी आ रही है, ये ट्रक आ रहे हैं, ये मुरादाबाद साइड से आ रहे हैं, ठीक है। इधर से ही हम आए हैं, हम भी इधर से आए भाई। और ये इधर जो जा रहा है ये दिल्ली जा रहा है, ये रोड दिल्ली जा रहा है, नेशनल हाईवे है। दिल्ली में जाके इंशाल्लाह बस पकड़ेंगे, क्योंकि ट्रेन के टिकट हमारे कैंसिल हो गए थे, टिकट नहीं हो पाए थे, तो इंशाल्लाह दिल्ली में जाके बस पकड़ेंगे, तो वहाँ से सीधा राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ के लिए बस पकड़ेंगे इंशाल्लाह। और ये भी हमारी बस यहाँ पर रुकी हुई है, तो इंशाल्लाह हमारे चैनल पर जुड़ जाएंगे आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी अपडेट आएगी शेख भाई की आज के बाद आपको बिल्कुल इंशाल्लाह लाइव देखने मिलेगी, हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह, और आपको कलाम भी सुनाते रहेंगे, आप इस बात से बेफिक्र रहें। और अब बस मैं शायद तैयारी हो रही जाने की, बसें जाने लगी, तो आप दुआ करें भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, हमारे लिए दुआ करें हम ठीक ठाक शेख भाई के पास पहुँच जाएँ, अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन इकराम मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दिल्ली में इंशाल्लाह जब हम पहुँच जाएंगे तो आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह कि हम वहाँ पहुँचने के बाद में राजस्थान। और एक बात और बता दूँ, मैंने भी एक वीडियो देखी है, अपडेट आई है, शेख भाई जो है पंजाब में एंट्री कर चुके हैं, यानी राजस्थान स्टेट को पार करके पंजाब में एंट्री कर चुके हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।